तो अगर तुमने मेरा लास्ट वाला प्रीवियस एपिसोड देखा हो तो तुम्हें याद होगा हमने माइनक्राफ्ट 1.20 यानी कि जो लेटेस्ट वाला वर्जन है वो डाउनलोड कर लिया था और उसके बाद हमने बहुत सारे मॉब्स और नई नई चीजें ट्राई करी थी जैसे कि बैम्बू की चीजें। बट आज हम करने वाले उन चीजों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट जो कि देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर तुमने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करके तुम देख सकते हो, वो बाद में देख लेना, ठीक है? तो पहले इस वाली वीडियो को एंजॉय करते हैं। ये हमारा प्लेयर है और ये घूम रहा है विलेज के अंदर। ये जो विलेज था ये हमें कुछ टाइम पहले मिल गया था और सामने तुम देख ही सकते हो ये है हमारा ऊंट जो कि बैठा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसकी सवारी करते हैं और इसको लेके चलते हैं। अब तो ये अभी देख ही सकते हो तुम कितना धीरे धीरे चल रहा है, इसको थोड़ा दौड़ा भगाने की बात हुई थी इसने उतार ही दिया। तो सबसे पहले तुम्हें एक घर दिखाता हूँ जो कि बनाया था हमने पिछली वीडियो में पूरा का पूरा बैंबू से। तो मेरे को सबसे पहले एक चीज देखनी है कि ये जो हमारा घर है ये पूरा का पूरा है बैंबू का, इसमें आग लगती है या नहीं। और एक बात और, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट के अंदर जो हमारा पैंडा होता है वो बैंबू को खाते हैं, तो इसके अंदर अगर मैं अपना एक पैंडा छोड़ दूं तो क्या वो घर को खा जाएगा या फिर वो इसके अंदर ही रहने लग जाएगा? तो देखते हैं क्या होता है। बट सबसे पहले ये देख ही सकते हो तुम, अंधेरा होने वाला है, सूरज ढल रहा है, तो उससे पहले सबसे पहले अपने घर के अंदर कर लेते हैं दिन, यानी कि टॉर्चेस लगाने वाले हम बढ़िया तरीके से। तो गेट बंद कर लो पहले, तो ज़ॉम्बी आ जाएंगे। वैसे तो हम इस टाइम क्रिएटिव मोड में हैं, हमें कोई डर लगता नहीं है इस टाइम, लेकिन फिर भी सेफ्टी करनी चाहिए। तो अच्छे लैंप लगाते हैं, लैंप ज़्यादा अच्छी लगेगी यहाँ। तो इसको लगाऊंगा एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हाँ ठीक है, गेट के पास भी लगा दिया ना, एक बीच में भी लगा देते हैं। तो जो कि हमारा घर है वो कुछ इस तरीके से ग्लो होना स्टार्ट हो गया है। तो चलो सबसे पहले ट्राई करते हैं अपना पैंडा को छोड़ के कि वो घर को खाता है या नहीं, ठीक है? और उसको दूसरे बैम्बू भी देखेंगे क्या होता है। तो अब तुम सोच रहे हो कि मैं बाहर क्या कर रहा हूँ, तो यार मेरे जितने भी पास ये फालतू सामान है सबसे पहले इसे डंप कर देते हैं किसी अच्छी जगह पे, क्योंकि ये रखा हुआ है अच्छा नहीं लग रहा। तो हमारा जो दिन है वो हो चुका है और फाइनली अब हम स्टार्ट करेंगे आगे का काम। तो ये है मेरा पैंडा स्पॉन एग, तो इसको मैंने रखा यहाँ पे। और यार इसको क्या हो रहा है, एक सेकंड, अरे मर क्यों रही है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है तेरे को, उई उई क्यों कर रहा है, इसको लग रही है, इसको लग रही है। मेरे को नहीं पता इस पैंडा को भी क्या हुआ था, मैंने जैसे इसको उगाया और ये प्यों 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 रोने लग गया एकदम। तो ये हमारे पैंडा उग तो गए हैं और ये गुलाटे क्यों मार रहे हैं, मेरे को तो ये बताओ, बंदर है क्या ये? ये देखो कैसे से पैंडा उगा दिया मैंने, इधर से उधर उछल रहे हैं, जो मैं सोच रहा था बिल्कुल ही अलग ही चीज निकली है। हमने सोचा कि ये खा जाएगा हमारा घर, लेकिन नहीं, बैम्बू से बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इसको कुछ नहीं करते। मेरे ख्याल से ये जो बैम्बू है ना ये हमने यूज कर लिया और ये खड़े खड़े भी मेरे ख्याल से बासी भी हो चुका है, इस चक्कर में खा नहीं रहे। तो ठीक है, हमारी पैंडा वाली ट्रिक तो अजीब ही तरीके से निकली। तो हाँ, अब हमें ये तो सीखने को मिल गया कि बैम्बू का घर पैंडा नहीं खाते, तो हम सिक्योरली बना सकते हैं अपने जंगल के अंदर। और हाँ, अब बारी है चेक करने की, ये जो हमारा बैम्बू का घर है इसको आग से डैमेज पहुंचता है या नहीं, मतलब ये जलेगा या नहीं। तो बच्चों अब जो हम करने जा रहे हैं ये ट्रिक घर पे खुद इस्तेमाल मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? तो ये मैं आ गया हूँ घर के अंदर फुल बढ़िया तरीके से, और एक काम करते हैं किताबों के पास आग लगाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई बुक शेल्फ में। और हाँ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, नहीं 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 नहीं, देखो 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 तो भाई 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 भाई, निकल निकल जल्दी निकल, मर जाएगा तू। यार ये देखो पूरे घर में आग लग चुकी है, मैं नीचे की तरफ लगाई थी और छत से हम इजीली अब यहाँ से देख सकते हैं पूरे के पूरे घर में आग लग चुकी है। तो ये देखो हमारा पूरा का पूरा घर जो है वो भाई सब आग लग चुकी है। अब इसके अंदर पांडा छोड़ू क्या मैं, चिकन तंदूरी हो जाएगा पूरा का पूरा पांडा का। और ये दो किताबें कैसे बच गई भाई सब? तो ठीक है, ये किसी टाइम पे हमारा प्यारा घर हुआ करता था, बट अब अगर तुम्हें पूरा सिनेरियो दिखाऊं तो अब ये देखो पूरा का पूरा घर ये था, बस था, अब नहीं है, ठीक है? तो एक बार ट्राई करते हैं कि इस गेट के अंदर से हमारी जो विंडो है, मतलब ये जो खिड़की से बीच में गैप दे रखा है, इसके अंदर से हमारी तीर निकलती है नहीं या बीच में अटकी जाएगी किसी ग्लिच की तरह। तो ये चीज तो यार मेरे को सही में ट्राई करनी है, ये मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, देखते क्या होता है। तो ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये करेंगे हम यहाँ पे। एक काम करते हैं, इस वाले जो घर के ऊपर है एक गेट लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया परफेक्ट, ठीक है, रेडी। तो ये देखो जो हमारी जंप थी वो कम्प्लीट हो चुकी है, मैं यहाँ से यहाँ आ गया फुल बढ़िया तरीके से। तो हमारा जो प्लेयर है वो पूरा पूरा रेडी हो चुका है अपनी बो एंड एरो लेके। तो अब देखते हैं कि ये जो गेट है ये हम मुकाबला कर पाता है या नहीं, इसके आर पार निकलती है तो बढ़िया, नहीं निकलेगी तो भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलो ट्राई करते हैं। और ये लगा रहा हूँ मैं निशाना फुल बढ़िया तरीके से, अब ये बताओ ये लगेगा नहीं लगेगा, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, मेरा निशाना वैसे इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ तक इतना पास लग ही जाएगा। जल्दी से ट्राई करते हैं, 3, 2, 1, अरे हाँ हाँ मैंने जानबूझ के कराई, ठीक है, तालियां बजाओ। तो अब सीरियस वाला करते हैं एकदम, अब बारी है एकदम निशाना लगाने की। तो जल्दी से बीच की तरफ मैं निशाना लगा रहा हूँ, एकदम ये निकलना चाहिए, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाएंगे क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो ये छोड़ा, और एक सेकंड, ये पार नहीं गया, एक और छोड़ के देखूँ क्या, और ये अरे जा क्यों नहीं रहा, मेरे ख्याल से मेरा निशाना खराब है। ये मैंने लगाया निशाना और ये आर पार जाना चाहिए, ये देखो इस बार तो एकदम सही निशाना लगाया, इस बार तो मतलब ही नहीं बनता। तो एक बार जाके देखते हैं, और ये देखो तीर पहले ले लेता है ये, और ये मैं छोड़ रहा हूँ,
ये देखो भाई नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो ये जो चीज है बिल्कुल भी रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रही है भाई साहब। ले जाइए माइनक्राफ्ट वालों, ठीक कर दो इसे जल्दी से, ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा ऐसी चीजों में। वैसे एक बात है, अगर हमारी तीर इसके आर पार निकल जाए, लगभग छोड़ो तीर छोड़ो, अगर मैं अपने घर के बाहर ही लगाऊंगा ज़ॉम्बी तो यार हाथ डाल के गेट ही खोल लेंगे पूरा का पूरा। भाई सही है, सही है, माइनक्राफ्ट वालों बहुत सही कर रहे हो तुम, ठीक है, ऐसे ही रखना गेट, मत करो सारे गेट ऐसे कर दो। रामी मानुस दो दिल में पलट गया। तो बस यार आई होप आपको इस वाले माइनक्राफ्ट के नए वाले अपडेट के अंदर बहुत ज्यादा मजा आया होगा। मेरे को तो ये अपडेट पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो लाइक कर देना भाई साहब, लाइक नहीं करते हो तुम बिल्कुल भी, पहले ही नहीं बताते हो, गायब हो जाते हो एकदम वीडियो के एंड तक, तो लाइक कर देना और बाय बाय। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।